आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अकलियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सहल के क़यादत में कारवान से मुकाबला करने वाले एमएलए उस्मान अल हाजरी और रंगारेड्डी जिला चेयरमैन रियाज और सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों ने शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद कर देने के खिलाफ एहतजाज किया। अब्दुल्ला सुहेल ने शमशाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तर का दौरा किया और मुतल्लिका अहदेदारों से बातचीत की। बाद अज़ां मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर साबिर अली मुबैना तौर पर मंगल की सुबह मस्जिद के इन्हदाम के बाद से मफरूर हैं। उनसे फ़ोन पर रबता करने की तमाम कोशिशें बेसोध साबित हुई। उन्होंने कहा कि 2016 में मस्जिद की तामीर के बाद से ही मुकामी मुसलमान इसमें नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद की अराजी पर तनाज़ात का मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तवा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाने की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद ख्वाजा महमूद छठी मस्जिद है जिसे टीआरएस हुकूमत ने गैरकानूनी करार देते हुए मुनहदम किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुनहदम शुदा मस्जिद की असर नौ तामीर के लिए फौरी इकदाम करने के अलावा मस्जिद को गैरकानूनी तौर पर मुनहदम करने वाले म्यूनसिपल और दीगर अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साबिर अली उन्होंने कहा ना मिलते सर उनसे मिलना शहीद करने की वजह मालूम तोड़े क्यों तोड़े कई इलीगल स्ट्रक्चर से थे कई निश्चय इलीगल स्ट्रक्चर थे वहाँ बाजू इलीगल धरा है वहाँ नहीं तोड़े उन्होंने तोड़ के ये कैसा तोड़ते हाँ इस तरह बोले अल्लाह के घर को तोड़ देते क्या क्या है अब उन्होंने तो चुप कर दिया है मिलाओ नंबर मिलाओ बोलो नंबर बोलो आपला नहीं तोड़े फिर कौन तोड़े साहब कैसा तोड़ते आपला नहीं तोड़े तोड़ दे कैसा तोड़ते हमें करो